वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज मैं आप लोग के साथ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक शेयर करने वाली हूं और ये बहुत ही अमेजिंग मेकअप लुक है आई होप आप लोग को पसंद आएगा अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लेकमे पीच मिल्क सॉफ़्ट मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है इसको अच्छे से मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी अब मैंने यहाँ पे निव्या लिप बाम यूज़ किया है और इसे मैं अपने लिप पे अप्लाई कर लूँगी अब मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का आईब्रो किट यूज़ कर रही हूँ और ये एक जेल आई लाइनर भी है और इसके साथ मुझे ये ब्रश भी मिला है और इसी की हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से फ़िल करूँगी दोस्तों ये टू इन वन किट है इससे अपनी आईब्रोज़ को आप बहुत अच्छे से फ़िल कर सकते हैं और बहुत ही नेचुरल बहुत ही अच्छा आई इससे इसे ड्रॉ कर सकते हैं तो ये मेरे लिए तो बहुत ही अमेजिंग किट है अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं सो गाइज यहां पे मैंने अपनी आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लिया है अब मैं अपनी आईब्रोज़ को, कर आई को हाईलाइट करने के लिए अच्छे से सेट से करने के लिए यहाँ पर कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे एक फ्लैट एंगल ब्रश का यूज़ किया है और इसी से मैं अपनी आईब्रोज़ को कुछ इस तरह से सेट कर लूँगी इससे हमारी आईब्रोज़ बहुत ही उभरी हुई दिखती हैं और जहाँ कहीं भी आपने एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लिया है या कुछ भी तो आपकी आईब्रोज अच्छे से सेट हो जाती हैं अब मैं यहाँ पे एन वाई का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ और इससे मैं अपनी पूरी लिट पे अच्छे से इस तरह से अप्लाई कर लूँगी इससे हमारा आई मेकअप बहुत ही अच्छे से उभर के आएगा अब मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और ये भी एनवाईवे का कंसीलर है और इसे मैं अपनी पूरी लिट पे अच्छे से अप्लाई करूँगी और यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है अब इसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से डैब डैब करते हुए कंसीलर को पूरी आई लिट पर सेट कर लूँगी अब यहाँ पर मैंने ब्राउन शेड पिक किया है और इसे मैं अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई करूँगी और इसके लिए मैंने एक ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और इस तरह से मैं अपनी क्रीज लाइन पे ब्राउन शेड को अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसे डार्क शेड ले रही हूँ लाइक मरूनिश कलर है और इसे मैं अगेन अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी और इसके लिए मैंने एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लिया है तो इसे अच्छे से मैं अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई कर ले रही हूँ अब इसके बाद मैं ब्लैक शेड लूँगी और इससे मैं अपनी पूरी लिट पर इस तरह से अप्लाई कर लूँगी तो यहाँ पे मैंने आ, स्मोकी लुक देने के लिए ब्लैक शेडो पिक किया है और इसे मैं इस तरह से अपनी लिड पे अप्लाई कर ले रही हूँ गाइज यहाँ पे मैंने रूट कॉस्मेटिक्स का आई शेडो पैलेट यूज़ किया है अब मैं यहाँ पे फिर से ब्राउन शेड लूँगी और ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और अब मैं यहाँ पे गोल्डन शेड पिक कर रही हूँ और इससे मैं अपनी लिड के सेंटर पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी तो यहाँ पे मैं फिंगर की हेल्प से ही अपनी लिड के सेंटर पे अच्छे से गोल्डन शेड को अप्लाई कर लूँगी और इसके लिए मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी पैलेट का यूज़ किया है अब मैं यहाँ पे आई अप्लाई कर रही हूँ और इसके लिए मैंने यहाँ पे मेबलिन का बोल्ड क्लोसल जेल आई यूज़ किया है और इसका ब्रश बहुत ही अच्छा है आप इसे यूज़ करते टाइम काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील करेंगे और यहाँ पे मैंने विंग आई लाइनर नॉर्मल सा विंग आई लाइनर ड्रा कर लिया है बहुत ज़्यादा हैवी लाइनर नहीं मैं ड्रा कर रही हूँ क्योंकि मैंने स्मोकी लुक रखा है तो मैं पतला सा लाइनर ड्रा कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है अब मैं फॉल्सिस अप्लाई कर रही हूँ उसके बाद मैं एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्राउन शेड लूँगी जो मैंने क्रीज लाइन पे सबसे पहले अप्लाई कर लिया है और उससे मैं अपनी लोअर लेस लाइन के नीचे अच्छे से इस तरह से अप्लाई कर लूँगी और इसके बाद मैं ब्लैक शेड फिर से ले रही हूँ और इसे भी मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से नीचे स्मश कर लूँगी इस तरह से अप्लाई कर लूँगी गाइज हमें थोड़ा थोड़ा मात्रा में ही शेडो को लेना है और हल्का हल्का सा लेते हुए यहाँ पे नीचे लोअर लेस लाइन के नीचे प्लेस करना है अब मैं यहाँ पे एनवाइबे का ब्लैक काजल का यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं अपनी वाटर लाइन पर अच्छे से लगा लूँगी गैस यहाँ पे मैं स्मोकी आई मेकअप कर रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक काजल यूज़ किया है अब मैं अब मैं यहाँ पे मेबलिन का मस्कारा क्लॉसल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं अपनी लेसेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और यहाँ पे मैं अपनी लोअर लेसेस पे भी अच्छे से मस्कारा अप्लाई कर ले रही हूँ और आई मेकअप करते टाइम जो भी यहाँ पर फॉल आउट हुआ है उसे मैं अच्छे से डस्ट आउट कर दे रही हूँ अब मैं यहाँ पर एनआईबी का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी गाइज मेकअप बेस के लिए प्राइमर ज़रूर यूज़ करें प्राइमर को बिल्कुल भी स्किप ना करें अब मैं यहाँ पे अनवाये का स्टिक फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं अपने पूरे फेस पे इस तरह से अप्लाई कर लूँगी और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी आप चाहें तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मेरे लिए मुझे ईजी पड़ता है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही इसको इस्मश करना गाइज ये फाउंडेशन काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है और आपको इसके लिए बहुत ही कम पैसे पे करने पड़ेंगे बहुत ही अच्छा फाउंडेशन आपको कम बजट में मिल जाएगा तो यहाँ पे मैंने अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है और अब मैं यहाँ पे कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ और ये कंसीलर एनवाइवे का है अब मैं यहाँ पर अपनी डार्क सर्कल एरिया और डार्क स्पॉट्स पर अच्छे से हाईलाइटेड एरिया पर भी अप्लाई कर ले रही हूँ कंसीलर को और इसे मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूँगी तो अगर हम अपना मेकअप बेस अच्छे से सेट नहीं कर रहे हैं तो हमारा मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा और अजीब सा केकी ही दिखेगा सुबह अगर आपको अपना मेकअप फ्लॉलेस रखना है अच्छा दिखाना है तो आपको अपना फाउंडेशन अच्छे से सेट करना पड़ेगा तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन सेट कर लिया है अब अब मैं यहाँ पे कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ ये एनवाइवे का कॉन्टोर है और इससे मैं अपनी अच्छे से कॉन्टोरिंग करूँगी तो इस तरह से मैं अपनी कॉन्टोर एरिया पर लगा ले रही हूँ और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैप करते हुए अच्छे से सेट करूँगी तो हमें रगड़ना नहीं है नहीं तो ये ये आपके ब्यूटी ब्लेंडर में वापस आ जाएगा और अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा तो हमें ब्लेंड करना है ना कि रगड़ के छुड़ाना है तो इस तरह से डैब डैब करते, करते हुए हमें कॉन्टोरिंग करनी है अब मैं अब मैं यहाँ पे मेब्लिन का फिटमी कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ और एक पाउडर ब्रश की हेल्प से अच्छे से अपने मेकअप बेस को सेट करूँगी और अब मैं ब्लस यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट लिया है इसमें आपको ब्लस और हाइलाइटर दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ पे मैं पीच पीच कलर का शेड ले रही हूँ ब्लस शेड और इसे मैं अपनी चीक्स बोन पर अप्लाई करूँगी और इस्माइल करते हुए इस तरह से अप्लाई कर लूँगी और अब मैं यहाँ पर सेम पैलेट से हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ और अपनी चेक बोन पे और हाईलाइटेड एरिया पे हाईलाइट कर लूँगी अच्छे से गाइज़ यहाँ पे मैंने पार्टी मेकअप लुक शेयर किया है आप लोग के साथ तो हाईलाइटर मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ये पार्टी मेकअप लुक है तो इस तरह से मैं हाईलाइटर को अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ अब इसके बाद मैंने यहाँ तो स्विस ब्यूटी का हाई और ब्लस पैलेट यूज़ किया है इसमें से मैं हाई लेके ले अपनी आईब्रो बोन पे इस तरह से अप्लाई कर लूँगी इससे हमारी आईब्रोज काफ़ी उभर के आती हैं अच्छी दिखती हैं और हमारा आई मेकअप बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है अब मैं अपने इनर कॉर्नर पे भी हाईलाइटर को अप्लाई कर ले रही हूँ एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से और इस तरह से अब मैं यहाँ पे पर्पल का पर्पल की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ और इसका सेड मैं और इसका डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी गाइज ये लिपस्टिक पिंक सेड में है आप चाहें तो इस मेकअप लुक के साथ न्यूड शेड भी रख सकते हैं या आपको जो भी कलर पसंद हो रेड लिपस्टिक लगा सकते हैं मैंने पिंक लगाया है क्योंकि अभी मेरा मन हुआ कि मैं पिंक लिपस्टिक इस मेकअप लुक के साथ अप्लाई करूं तो इस तरह से मैं पिंक शेड ही लेके अपने लिप्स पे अप्लाई कर ले रही हूँ गाइज यहाँ पर मैं लिपस्टिक को थोड़ा सा अपने लिप लाइन के ऊपर से ड्रॉ कर रही हूँ अप्लाई कर रही हूँ इस तरह से जिससे कि मेरे होठ थोड़े से मोटे दिखें तो यहाँ पे मैंने लिपस्टिक को लगा लिया है और अब मैं मेकअप को फिक्स कर लूँगी तो यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज़ किया है अब और अब मैंने साड़ी पहन ली है इसके बाद मैं ये ज्वेलरी जो पहन रही हूँ ये मैंने नायका से लिया है अगर आपको परचेस करना है तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं लिंक लिंक के थ्रू जाके ले सकते हैं अब इसके बाद मैं अपनी रिंग्स पहनूंगी तो यहाँ पे मैंने दो रिंग पहनी हुई है और इसमें से एक तो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है और दूसरी मैंने लोकल मार्केट से लिया है तो जो मैंने रिंग ये बाएँ हाथ वाली जो रिंग मैंने पहनी है जिसमें ग्लास लगा हुआ है इसको मैंने ऑनलाइन परचेज किया है तो इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा और ये चूड़ी भी मैंने लोकल मार्केट से ही ली है बैंगल्स मेरे पास थे पहले से और ये चूड़ियाँ मैंने सिर्फ ख़रीद ली और सेट लगा के पहन लिया है इस मेकअप लुक को कंप्लीट करने के लिए गाइज़ आप लोग को ये चूड़ी मैट दिख रही होगी क्योंकि ये वेलबेट की चूड़ियाँ हैं इसलिए आपको मैट दिख रही होंगी और ये मेटल में है तो मैं सिर्फ मेटल नहीं पहनती इसलिए मैंने यहाँ पे कांच की चूड़ियाँ भी बीच बीच में डाली है जो कि गोल्डन सेड में है और बैंगल्स भी मेरे पास थे पहले से तो इस तरह से मैंने सेट लगा लिया है और ये ब्लैक चूड़ा जैसा दिख रहा है तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे अपना ये चूड़ी सेट सो so गाइज़ यहाँ पे मैंने अपनी एसेसरीज पहन ली हैं अब मैं अपनी हेयर स्टाइल बनाऊँगी जो कि बहुत ही नॉर्मल सी होने वाली है अभी तो मैंने सिर्फ अपने हाथों से ही ऐसे कॉम कर लिया है तो यहाँ पे मैं नॉर्मल सी हेयर स्टाइल बनाऊँगी और मेकअप लुक मेरा कंप्लीट हो जाएगा और ये रहा मेरा फाइनल लुक आगे आपको मेरा फुल लुक भी दिखेगा मैं अपना साड़ी का फुल लुक भी दिखाऊंगी गाइज़ मैं अकेले ही वीडियो शूट करती हूँ तो जिस तरह से मुझसे हो पाता है उस तरह से मैं अपना पूरा लुक आप लोग के साथ शेयर करती हूँ आई होप आप लोग को अच्छा लगता होगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें गाइज़ अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया करें अब मैं आप लोग से मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय